आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हम सियासत में हैं, लेकिन आपके भाई के कहने पर हम यहाँ पे उनका खत जो गुजरात से उन्होंने कल भेजा है उसको आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुए हैं। सुल्तानपुर के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, सलाम अलैकुम। ये मैं सांसद जी का खत पढ़ रही हूँ। पार्टी का ना एक बार आपके बीच आया था सांसद बनने के लिए, आपने बड़ी मोहब्बत और बड़े जोश से मेरा इस्तेमाल किया था। आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ। हालात बहुत बदल गए और हालात के साथ सोच और फिक्र बदल गए। बदलते बदलते अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और सही राह दिखाई और आज मेरी बीवी जेब ने भेजा हुआ मुख्तसर से पहला हमारे रहनुमा और नायब जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब की मौजूदगी में पढ़ रही है। यह लड़ाई न सांसद बनने की है और न ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी देने की बात है। अब दूसरे की बेगारी और मजदूरी नहीं करेंगे और न दूसरे का झंडा खोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है, पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा है और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं या ड्राइवरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। मुसलमानों ने आज तक किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना और यही सबसे बड़ी गलती थी। आज अल्लाह का शुक्र है एक लीडर हमें मिला है जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत, बेपनाह इल्म, बिल्कुल बेदाग और पाक सियासी शोर रखने वाला एक बहादुर रहनुमा हमें मिला है जिसका कोई सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद शख्सियत है जो हुकूमत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता है। अब